भारतीय किसान यूनियन टिकैत महानगर कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह और महानगर अध्यक्ष सलीम खान के नेतृत्व में महानगर की जल भराव, जल निकासी, सफाई पेयजल, कास नाली और खरंजा इंटरलॉकिंग नाला सफाई और गलियों को गड्ढा मुक्त बनाने और अवैध आरओ प्लांट पर कार्रवाई करने के लिए 7 सूत्रीय ज्ञापन समस्याओं के समाधान के आलोक में नगर आयुक्त शशांक चौधरी को सौंपा गया है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। चैनल को बार बार धन्यवाद क्योंकि आपका चैनल गरीब मजदूर किसान अमेरा वर्ग की आवाज़ को बहुत गलियों तक ले जाता है और उन पर क्या आज हमने नगर निगम मथुरा वृंदावन पर आकर महानगर की ज्वलंत समस्या है जिनसे लोग परेशान हैं, त्राय त्राय कर रहे हैं, उनको लेकर हमने 7 सूत्रीय आज ज्ञापन दिया है जिसमें अमर कॉलोनी है उसमें 3-4 रास्ते बिल्कुल कच्चे पड़े हैं, पानी भर जाता है, जल भरा है, वहाँ पे बच्चे निकल नहीं सकते, स्कूल जाने के लिए परेशान है, माताएं बहनें पूजा पाठ के लिए जाने के लिए परेशान है, बुजुर्ग लोग बाहर घूम नहीं सकते, उसको लेकर राधेश्याम कॉलोनी के लिए भी दिया है। राधेश्याम कॉलोनी वार्ड नंबर 12 एक नाला बिल्कुल चौक है उसको नहीं दिया। दूसरा हमने द्वारकेश्वरम के लिए भी दिया है। तो इस तरीके से हमने 7 सूत्रीय ज्ञापन अपर नगर आयुक्त महोदय रामलाल जी को दिया है और इन्होंने 4 दिन का हमें समय दिया है। मैं सलीम खान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत महानगर अध्यक्ष मथुरा, अगर 4 या 5 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले उग्र प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और नगर निगम। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।